सवाल लिखो, ए ग्रैंडफादर विथ सेवन, ए ग्रैंडफादर विथ सेवन ग्रैंड चिल्ड्रेन, ए ग्रैंडफादर विथ सेवन चिल्ड्रेन टेक्स देम टू अ जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन जूलॉजिकल गार्डन विदाउट टेकिंग द थ्री चिल्ड्रेन कोई भी तीन बच्चों को एक साथ लेके जगह बगैर, सेम थ्री चिल्ड्रेन टुगेदर, कोई भी तीन एक बच्चों को एक साथ नहीं लेके जाते हैं, हाउ फ्रिक्वेंटली ग्रैंडफादर विल गो एंड ईच चाइल्ड विल गो, हाउ फ्रिक्वेंटली ग्रैंडफादर गो एंड हाउ फ्रिक्वेंटली ईच चाइल्ड गो, सवाल यही है, बहुत आसान सवाल है, आप एक एक चीज इसके ऊपर सोच के देखेंगे सवाल आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में, जरा सा सोचे। तो एक दादाजी हैं, क्या करते हैं उनको, वो ऐसा समझ लो कि दादाजी का प्लान है कि उनके कुल सात नाती पोते हैं, ठीक है ना, सात उनके छोटे छोटे बच्चे, उनके नहीं मतलब उनके बच्चों के बच्चे हैं, सेवन ग्रैंड चिल्ड्रेन है, सात बच्चों को, ऐसे समझो कि दादाजी है, सात बच्चों को हमेशा जूलॉजिकल कोई गार्डन है, किसी कोई जू है उसमें लेके जाना चाहते हैं, वो उनका प्लान है कि हर संडे हम लेके जाना चाहते हैं, सात बच्चे हैं और वो इस तरीके से लेके जाना चाहते हैं कि कोई भी तीन सेम बच्चा हर बार ना जाए, मतलब सेम, जैसे मान लो कोई तीन बच्चा मैं सिंपली लेता हूं कि एक है राम, एक है श्याम और एक है मोहन, ये तीन लोग हैं, तो ये तीन बच्चे अगर पहली बार चले गए तो अगली बार ये तीन नहीं जाएंगे, यही तीनों नहीं जाएंगे। हाँ, अगली बार ऐसा हो सकता है कि राम जाए और श्याम जाए, इनको मान लो इन दोनों का जाने का मन हो तो राम और श्याम जुगाड़ करें किसी तीसरे बच्चे का, मान लो उसने रोहन का जुगाड़ कर लिया तो ये तीनों जा सकते हैं, वो तीनों पेयर में, हाँ वो तीनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, मतलब उन तीनों में से कोई दो एक साथ, कोई दो हो और कोई उन दोनों में से कोई एक तीसरा आदमी जुगाड़ ले, या समझ लो कि स्पेशली राम का जाने का मन है, वो राम का जाने का मन है, उसने श्याम से बात करेगा, मोहन को नहीं बताएगा कि हम जाना चाहते हैं, तो वो श्याम को पकड़ लेगा और एक और कोई अन्य बच्चे को पकड़ लेगा कि भाई रोहन या सोहन किसी को पकड़ लिया कि भाई हम चल तू चल, अब ये तीनों का जैसे ही बोलेगा दादाजी के पास आएगा, बोलेगा कि हम लोग अलग अलग तीन लोग हो गए, हमको लेके चलो, अब दादाजी तैयार हो जाएंगे कि हाँ लेके चलना है, तो इस ऐसे केस में दादाजी कितने बार जाएंगे और कोई एक पर्टिकुलर बच्चा जो राम है वो कितने बार जाएगा, तो अगर हम राम के लिए सोचेंगे वही इतने ही टाइम श्याम भी जाएगा, उतने ही टाइम रोहन भी या मोहन सोहन जो भी लोग हैं उतने टाइम जाएंगे, तो पहले हम सोच लें कि दादाजी कितने बार जाएंगे, उसके बाद कोई एक बच्चा कितने बार जाएगा, वही बच्चा हर बार उतने बार ही जाएगा, बात समझ आ रही है ना, तो पहले आप ये निकालो कि दादाजी कितने बार जाएंगे इसके बारे में सोचो। तो देखो दादाजी वाला तो केस तो सिंपल है कि भाई दादाजी जिसे मान लो, इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि चार चीज है ए बी सी डी, अब इनमें से जैसे ही तीन अलग अलग ग्रुप बन जाएगा दादाजी उतने बार पहुंच जाएंगे, अब चार में से कोई भी तीन ग्रुप सेलेक्ट करने का तरीका 4C3 होगा और 4C3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 होगी कि नहीं, जैसे क्या चार चार अलग अलग ग्रुप बनेगा, देखो एक ए बी सी का ग्रुप बन गया, ये अलग ग्रुप बन गया, फिर एक हो गया ए बी
टी ग्रुप बन गया, एक बन गया ए सी डी बन गया और एक बी सी डी बन गया। बोलो ये जैसे ही ये ग्रुप बनेगा दादाजी इनको लेके चल लेंगे, जैसे ये ग्रुप बनेगा वैसे दादाजी लेके चल लेंगे, जैसे ये ग्रुप बनेगा दादाजी लेके चल लेंगे, जैसे ये ग्रुप बन गया दादाजी लेके चल लेंगे। बोलो बात समझ में आया। तो अगर चार लोग हैं तो उनमें से तीन तीन का जैसे ही नया ग्रुप बनेगा दादाजी उतने बार पहुंच जाएंगे। सिर्फ चार लोग होते तो दादाजी कितने बार जाते हैं? चार बार। यहाँ पे सात बच्चे हैं तो सात में से जैसे ही कोई भी तीन तीन का ग्रुप सिलेक्ट कर लिए, कोई भी तीन का ग्रुप सिलेक्ट कर लिए, उसमें क्या ये दादाजी पहुंच गए क्या इतने टाइम्स? तो ये हो गया ग्रैंडफादर के लिए, ग्रैंडफादर आपके इतने बार चले जाएंगे। अब जरा सोचो चार में से किसी पर्टिकुलर बच्चा मैं चाहता हूं कि ए को जाना है, ए को कितने बार जाना है ये हम सोचना चाहते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले चार में से ए को हमने कहा कि लो ए को भेजना है, ए को पहले ही हमने सेलेक्ट कर लिया कि लो भाई ए तुम पहले ही आ जाओ, यानी ए अब पहले ही अपने लिए जुगाड़ बना रहा है। कैसे जुगाड़ बना रहा है? कि बचे हुए तीन में से किन्हीं दो लोगों को बुला रहा है। क्या कर रहा है वो? पहले एक हाँ, क्योंकि उसने आ गया। अब उसमें जो बचे लोग हैं तीन में से किन्हीं भी दो लोगों को बुलाएगा तो अपने जाके मिलके तीन का ग्रुप बना लेगा कि नहीं, और पहुंच जाएगा कि चलो चलो हम आ गए, जुगाड़ बनाया कि नहीं बनाया। और यही काम बी भी कर सकता है, यही काम सी, हर कोई बच्चा यही काम कर सकता है। तो क्या किया, ए अपने आप आ गया, जो बचे हुए तीन लोग हैं उनमें से कोई भी दो लोगों को बुला लिया और जाके खुद मिल गया, तीन का ग्रुप तैयार हो गया और उतने बार पहुंच गया। कितने बार पहुंच गया? थ्री टाइम्स। तो हाँ, अब जरा देखो एक्चुअल में दिखेगा कैसे ये। देखो मान लो ए को जाना है तो ए ने एक बार बी और सी को बुला लिया, पहुंच गया। ए ने एक बार सी और डी को बुला लिया, पहुंच गया। ए ने एक बार बी और डी को बुला लिया, पहुंच गया। अब इसके बाद जैसे ही आप चौथा वाला सोच रहे हो अरेंजमेंट, तो उसमें ए गायब है, तो ए तो जैबे नहीं किया, तो हम तो बाकी को बस एक को हमने सेलेक्ट कर लिया, यानी एक बच्चा खुद, एक बच्चा खुद आ गया, उसके बाद बाकी वो खुद दो दो किसी भी दो को पकड़ लिया और कर देगा। तो फॉर ईच चाइल्ड हमने एक को यहाँ पे बुला लिया, मान लिया कि भाई जो राम था वो आ गया, तो राम तो पहले ही आ गया इसमें। अब ये बच्चे हुए जितने छह लोग हैं उनमें से दो लोगों को बुला लिया, इतने टाइम पहुंच गया और इसका आंसर क्या हो गया? 15। 62 की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, 6 × 5/2, 2, 3 जा कट गया 6 से, ठीक है? और ये 3 × 5 = 15, यानी एक बच्चा 15 टाइम जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये 7 के बजाय 10 भी होते तब भी आराम से चले जाते, वो 10 बच्चे होते और चार चार को पेयर लेके जाना होता तो भी चले जाते। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है ना कि कैसे वो कर रहे हैं, कैसे वो खुद बच्चे सेलेक्ट कर रहा है कि हमको कितने तरीके से जाना है, तो हम कौन सा जुगाड़ लगा रहे हैं। बात समझ में आ गई? चलो आगे बात करते हैं, मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग एनसीआर। देखो क्या होगा, मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग एनसीआर आसान सी चीज है, लेकिन इसमें जब हम सवाल करते हैं ना, तो ये इस पे सवाल मेंस में कई बार आ चुका है, मतलब पिछले साल के पेपर में 2 सवाल रिपीटेड है इसमें, ठीक है? मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे, मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग एनसीआर, मिनिमाइजिंग की बात ही नहीं है, एनसीआर, ठीक है ना? मैक्सिमाइजिंग एनसीआर, देखो एनसीआर की वैल्यू मैक्सिमम दो बातों पे डिपेंड करती है, मैक्सिमम दो बातों पे डिपेंड करती है। कैसे दो बातों पे? कि एक बार या तो एन जब इवेन होगा तो क्या होगा, और एन अगर ऑड होगा तो क्या होगा। हाँ बताया है, बिल्कुल बताया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका बिल्कुल मिडिल, बिल्कुल बीचो बीच वाला टर्म हो जाता है। अगर इवन है तो एन सी एन बाई, और अगर ये है ऑड है तो एन सी एन माइनस वन बाई टू, या एन सी एन प्लस वन बाई टू। बात समझ आ रही है ना? दो टर्म, अगर ऑड होंगे तो नंबर ऑफ टर्म टोटल एक ज्यादा बढ़ जाता है, ऑड होने पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है, और इवन होने पे बीच के दो टर्म मिडिल टर्म कहलाते हैं। अरे भाई समझ, और इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, एंड द इवन है पावर इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एक बढ़ के ऑड हो जाएगा, और ऑड होने पे सिर्फ एक मिडिल टर्म आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये आपका हो गया। अब जैसे देखो सवाल करते हैं, सवाल में कैसे इस चीजों को सवाल में कैसे यूज करता है वो मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं। सवाल है, सवाल तब तक आप इसको लिख लें, फिर सवाल लिख लें। ए मैन वॉन्ट्स टू Give as many as party। एक आदमी है, वो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि हमको पार्टी देनी है, कितने लोगों को पार्टी देनी है इसके बारे में बस उसका दिमाग चल रहा है, तो वो प्लान कर रहा है। एज मैनी एज एज मैनी
एज मेनी नंबर ऑफ पार्टीज ठीक है, एज ही कैन आउट ऑफ हिज ट्वेंटी फ्रेंड्स अपने 20 दोस्तों के बीच में वो पार्टी देना चाहते हैं, उसके 20 दोस्तों की चानी ही चानी है बस फ्रेंड्स। बाय कॉलिंग सेम नंबर ऑफ पीपुल बट नॉट द सेम ग्रुप वह चाहता है कि सेम ग्रुप ना आए, लेकिन मान लो कि वह 10 लोगों को पार्टी देना चाहता है तो हर बार 10 लोगों को बुलाएगा, बट उसमें वही 10 लोग शामिल नहीं हो, जैसे पिछला सवाल था वही, बट नॉट सेम ग्रुप, सेम ग्रुप नहीं हो, नॉट सेम ग्रुप। How many friends should he call so that पहला सवाल है इसका, the number of parties is maximum. Second, how many times each friend can be called हर बार कितना एक फ्रेंड बुलाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी देना है आपसे। क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। एक आदमी है वो पार्टी देना चाहता है और वो उतनी पार्टी देना चाहता है अपने दोस्तों में से, मतलब उतने जितने उसके दोस्त हैं वो हर तरीके से पार्टी देना चाहता है, जिसमें से उसके कुल मिला के 20 दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं? 20 दोस्त हैं, और 20 दोस्तों को पार्टी देना चाहता है बाय कॉलिंग सेम नंबर ऑफ पीपल, मतलब अगर एक बार में 5 लोगों को बुलाना चाहता है तो हर बार 5-5 लोगों को बुलाएगा। अगर उसके दिमाग में प्लान कर ले कि हम 5-5 लोगों को पार्टी देना चाहते हैं तो हर बार कितने लोगों को बुलाएगा? 5-5 लोगों को, लेकिन वही सेम 5 लोग हर बार नहीं होंगे, कम से कम एक तो उसमें से अलग होना चाहिए। जैसे पिछला सवाल था कि राम श्याम मोहन हर बार नहीं जाना चाहिए, राम श्याम अगर दो हैं तो तीसरा कोई अलग होगा तभी वो ग्रुप जाएगा अजलोडिकल गार्डन में। वैसे ये भी, अगर मान लो कि ABCDE 5 लोगों को दे रहा है पार्टी तो अगली बार ABCDE नहीं चाहिए, ई की बजाय F आ जाए तो चलेगा इसका। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है कि वो देना चाहता है बट नॉट द सेम ग्रुप। हाउ मेनी फ्रेंड्स शुड बी कॉल, कितने लोगों को वो उसको बुलाना चाहिए ताकि द नंबर ऑफ पार्टी मैक्सिमम, मतलब खूब, मतलब मैक्सिमम पार्टी हो सके, वह मतलब उससे पार्टी की सारी संभावनाएं वो छोड़ना चाहता है। हाँ, जितने नंबर लोगों को बुलाएगा, नहीं नहीं जितने लोगों को बुलाएगा वो आपको हर बार उतने लोगों को उसको बुलाना है। पहली बार डिसाइड कर लिया कि अगर 10 लोगों को बुलाएगा 10 लोगों को बुलाएगा, 20 लोगों को डिसाइड कर लिया तो 20 लोगों को ही बुलाएगा, और मान लो 12 लोगों को डिसाइड किया तो हर बार 12-12 लोगों को डिसाइड बुलाएगा, लेकिन उसको इस तरह से प्लान करना है कि पार्टी जो उसकी मैक्सिमम हो। अगर 5-5 लोगों को बुलाकर एक बार वो निकालेगा कि हम 5-5 लोगों को, वही वो सोचेगा कि भाई हम 5-5 लोगों को बुला रहे हैं, कैलकुलेट करेगा कितनी पार्टी दिया हमने, फिर 6-6 लोगों को बुला के देखेगा कितनी पार्टी हमने दिया, देखेगा कि नहीं 5 वाले कम है 6 वाले ज्यादा तो 6 को ग्रुप बुलाएगा। मान लो 7-7 लोगों को बुला के चेक किया कि कितनी हम पार्टी दे रहे हैं तो वो फिर 5-6 का आइडिया छोड़ के 7-7 लोगों को बुलाएगा, क्योंकि उसको पार्टी मैक्सिमम देना है। ठीक है, फिर सेकंड सवाल में ये कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ईच फ्रेंड कैन कॉल, मतलब कितनी बार हर दोस्त आएगा। ठीक है, तो पहले वाले का सबका आंसर सही है कि भाई 20C10, यानी आपको 20CR को मैक्सिमम करना है, क्योंकि वो मान लेते हैं कि लेट आर फ्रेंड्स शुड बी कॉल्ड
19C10 ये नहीं, दूसरे का 19C10 गलत है, ये आपका 20CR। तो इसका मैक्सिमम होने के लिए फॉर मैक्सिमम R शुड बी 20/2 मतलब 10 हो गया। अब आपको ये बताना है कि एक फ्रेंड को कितनी बार बुलाएगा। पिछला सवाल याद करो, बिल्कुल सही है पिछला सवाल। कोई एक पर्टिकुलर आदमी को क्या करें, 19C9 देखो क्या करेगा, 19 में से अब भाई उसमें दोस्त जुगाड़ लगाएंगे कि हम मैक्सिमम टाइम कितने बार हम जा सकते हैं, वो जुगाड़ लगाएंगे। तो एक पर्टिकुलर दोस्त मान लो कि ए है, वो आ गया पहले आ गया, बाकी अब वो बाकी 19 लोगों में से कितने लोगों को सेलेक्ट करेगा, वो सिर्फ 9 लोगों को, क्योंकि 10 लोगों को मैक्सिमम बुलाना है ग्रुप में। तो एक खुद एक हो गया और बाकी 19 में से किसी भी 9 लोगों को बुला लिया, तो एक ये और ये 9 लोग मिलकर 10 लोग आ गए। और इतने बार जितने बार 19C9 का जितना नया नया ग्रुप बनेगा, उस हर में जाके शामिल होता रहेगा और एक नया नया पार्टी देते रहेंगे। बात समझ में आया, क्योंकि इसका ऐसे ही पहला दूसरा दोनों मिला के आता है, या दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं। ठीक है, अभी करा रहे हैं हम और सवाल करा रहे हैं। A into 19C9 मतलब ईच फ्रेंड कैन बी कॉल्ड H19C9। बस पिछला सवाल ही है ये कि उसने जुगाड़ लगा लिया किसी एक फ्रेंड ने कि हमको कितने बार बुलाया जाए, इसके लिए उसने जुगाड़ लगा लिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम किस पे बात करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। बड़े काम की प्रॉब्लम है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, जरा देखो दिमाग लगाएंगे। पहली बात बताओ, एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स जरूरत पड़ती है, दो पॉइंट। मिनिमम कितने पॉइंट जरूरत पड़ती है, दो पॉइंट। एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की, दो पॉइंट की। बात समझ में आ रही है? तो मान लो कि किसी जगह किसी प्लेन में, अच्छा थोड़ा और इस पे और बात कर लेते हैं, एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम कितना, दो पॉइंट। अच्छा मान लो तीन पॉइंट है और तीनों पॉइंट अलग अलग है, तो कितनी लाइन बना सकते हैं हम, तो तीनों पॉइंट को अलग, मान लो तीन पॉइंट है यहाँ पे, तो तीन में से कोई भी दो पॉइंट पकड़ लेंगे तो एक लाइन तैयार हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 3 सीटों। बात समझ में आई? लेकिन अगर यही तीनों पॉइंट एक लाइन में हो जाएंगे तो अरे बात समझ में। अच्छा इसके अलावा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए कितने लाइन की जरूरत पड़ेगी, मतलब मान लो आपके पास दो लाइन्स है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं उससे, सिर्फ एक, मैक्सिमम एक अगर तब जब वो भी पैरेलल नहीं हो। अरे यार ये बात समझ में, मैक्सिमम एक। अगर मान लो ऐसे ही आपके पास 10 नॉन पैरेलल लाइंस हैं, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते हैं, किसी भी दो लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। एक लाइन और एक सर्कल से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं, दो, मैक्सिमम दो, मिनिमम एक, टच कर सकते हैं। अरे बात समझ में, तो टच कर सकता है, बाकी दूर से जाएगा तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेगा। लेकिन अगर लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाना है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे एक बार में, दो। सर्कल और सर्कल से कितने बन सकते हैं, अरे बात समझ में। मान लो आपके पास, मान लो कि चार सर्कल है और तीन लाइन्स है, क्या है, चार सर्कल और तीन लाइंस है, हमको पूछा जाए कि कितने मैक्सिमम आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन सकते हैं, तो हम चार सर्कल में से किन्हीं दो सर्कल को पकड़ लेंगे तो एक दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक ये तो चार में से कोई भी दो पकड़ लिए सर्कल तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे, लेकिन कितने बनेंगे, दो बनेंगे ना, तो दो इसकी काउंटिंग कितनी होगी इसमें, दो। आ रही बात समझ में, इनटू प्लस तीन लाइन में से एक लाइन और एक सर्कल में से एक लाइन, नहीं एक लाइन में से एक सर्कल पकड़ ले, सर्कल में से एक पकड़ ले, इनटू लाइन में से एक पकड़ ले, और इन दोनों मिला कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देंगे, तो आ रही बात समझ में। या तीन लाइन में से दो पकड़ लो इनटू वन, हाँ अब बोलो, पहला जो सर्कल का निकालिए, ठीक है, लाइन का आपस में निकालिए, लाइन का आपस में 3C2 into 1, आपने सर्कल और लाइन निकाली, वही तो चीज किया गया है। देखो सर्कल, चार सर्कल में से एक सर्कल पकड़ लिया, चार तीन लाइन में से एक लाइन पकड़ लिया,
हाँ पकड़ ले तभी तो एक पॉइंट ऑफ इससे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बनेगा, कितना बनेगा? थ्री सी टू मतलब तीन लाइन में से कोई भी दो लाइन पकड़ेंगे तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे? एक। आ रही बात समझ में? अगर आपके सामने मान लो कि कई सारे पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर लेना है, मान लो दिखाना है कि आपके सामने 10 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर लेने हैं, सात में से कोई भी दो ले लिया तो हो सकता है कि चारों सर्कल में से कोई दो सर्कल आ गया, वो पहले केस कर चुके हैं, या सात में सेवन सी टू किया तो तीनों में से कोई भी दो लाइन आ गया तो उस समय थ्री सी टू आ जाएगा, जबकि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, हम मल्टीप्लाई दो से करेंगे तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो उससे बचने के लिए अच्छा ऐसा है कि अगर मान लो आपके सामने पांच पॉइंट नॉन कोलिनियर लेना हो तो आप ऐसे ले सकते हैं जो क्या बना दे, पेंटागन बना दे। अरे बात समझ में? अगर 10 लेना हो तो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि 10 को ऐसे ऐसे लिया जाए। तो जब भी आपके पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर लेने हैं तो आप उनको किसका कहां का पॉइंट ले लो, सर्कल का, कोई सा भी कितना भी पॉइंट ले लो सर्कल पे, अगर हजार पॉइंट लाख सौ लाख करोड़ जितना भी पॉइंट लेते हो कोई भी दो पॉइंट नॉन कोलिनियर, कोई भी दो पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर कभी ये आए आपके सामने कि एन साइड क्या यानी एन नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उन सारे पॉइंट्स कहां सोचोगे आप? सर्कल के ऊपर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर आप सर्कल के अलावा कहीं और सोच रहे हो तो आपके सामने समस्या ये हो जाएगी कि आप बना ही नहीं पाओगे कि ये कैसे बनाओगे, लगेगा कि ये तीनों एक ही लाइन में आ गए। अरे बात समझ में? तो कहां सोचोगे कि जितने भी अगर जैसे पॉइंट बढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आएंगे अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है सभी के सभी, सभी को कहां सोच लेते हैं हम? सर्कल के ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा सवाल करेंगे। ये तो आपकी थ्योरी हो गई। थ्योरी क्या क्या आपने हम लोगों ने पढ़ा कि दो दो पॉइंट मिलके एक लाइन बनाते हैं, भी दो मतलब कोई भी दो नॉन कोलिनियर पॉइंट मिलके एक लाइन बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सवाल करना चालू करते हैं। सवाल पहले ही लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस फॉर्म्ड बाय पॉइंट ज्वाइनिंग फॉर्म बाई फोर नॉन कोलिनियर फॉर्म बाई ज्वाइनिंग फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आंसर क्या हो जाएगा? फोर सी टू। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर सी टू। सबको समझ आ रहा है ये बात? फोर सी टू की वैल्यू कितनी आ गई? छे। जरा बनाओ देखो, ये अपने पास एक है, अपने पास चार नॉन कोलिनियर पॉइंट दिख रहा है क्या? ये चार नॉन कोलिनियर पॉइंट दिख रहे हैं, एक दो तीन चार लाइन यही दिख गई, और फिर ये बताओ और ये बताओ, देखो छह लाइन दिख रहे हैं क्या? इसके बाद और कुछ नहीं बन सकता। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लो यही आपसे कहते कि नंबर ऑफ डायगोनल चार पॉइंट से नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, हम क्या करते हैं? फोर सी टू में से चार साइड को निकाल देते हैं, चार साइड को निकाल देते हैं माइनस चार। क्या अभी इसकी वैल्यू दो आ जाती क्या? अगर ऐसे ही दस नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स 10C2-10। अरे बात समझ में? एक और सवाल बस प्रैक्टिस के लिए लिख लेते हैं कि देयर इज सेवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन द प्लेन, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइंस एंड डायगोनल्स। कितने डायगोनल्स होंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका लाइंस के लिए तो हो जाएगा आपका आंसर 7C2। कोई भी दो पॉइंट पकड़ लिया तो एक लाइन तैयार हो गई। और डायगोनल्स के लिए आपका आंसर हो जाएगा 7C2-7। मान लो कि ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, तीसरा पॉइंट जो लिखने जा रहा हूं कि इफ एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, हाँ ये वाली चीज आती है, ये वाली चीज तो हमको याद रखनी है ना। इफ एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं देन नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, देन नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू NC2-N। एक्चुअल में NC2-N कितना होगा? N इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन
टू माइनस एन, बोले यही हो जाएगा, सही है इतना। जरा बताना क्या हम यहां से अगर n हमने कॉमन कर लिया तो ये आया n माइनस वन बाई टू माइनस वन, और आपका क्या हो गया n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, बोले यही हो गया क्या, n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू, ये फार्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, हाँ याद करवाया गया होगा ये बात कि नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू एन एन माइनस थ्री बाई टू, आप समझ आ रही है क्या। लेकिन ये चीज आपका डायरेक्ट, ये आपका आंसर यहीं से आता है कि कैसे ये नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बात कर रहे हैं हम कि इफ देयर इज सेवन पॉइंट्स इन अ प्लेन, इन अ प्लेन इन विच थ्री आर कोलिनियर, देन फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन्स, देन फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन्स, कितनी डिफरेंट लाइन्स बनाई जा सकती हैं, फटाफट मुझे जवाब दो, तब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। सात पॉइंट्स है जिसमें से तीन कोलिनियर हैं, सात पॉइंट है सेवन सी थ्री माइनस सेवन सी टू माइनस थ्री, सोच लेते हैं सोच लेते हैं, तीन पॉइंट है तो तीन में से पहला देखिए दो तीन पॉइंट हो गया, तीन लाइन में घटाएं एक दो एक दो एक दो, हाँ ठीक है आप बोलो, हाँ आप बोलो, देखिए पहले हाँ कर लेना कर लेना कर लेना, सब नॉन कोलिनियर रहेंगे, सेवन सी टू बनता है, अब तीन पॉइंट एक साथ है ठीक है, देयर आर सेवन पॉइंट्स पी ओ आई एन टी एस इन विच इन अ प्लेन, there are seven points in plane in which three are collinear। अब जरा सोचो कि सात पॉइंट में से, सात पॉइंट से सवाल ने बोला कि कितने पॉइंट्स है, सात पॉइंट्स है, सात में से फोर लाइंस के लिए, फोर लाइंस के लिए अगर ये सातों अलग अलग होते तो इसमें से हम सेवन सी टू टोटल लाइंस बन जाते, अरे बात समझ में। लेकिन अपने से सवाल में ये बोल दिया है कि तीन पॉइंट कोलिनियर है, तीन पॉइंट कैसे है इसमें कोलिनियर, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनसे जितनी दो पॉइंट लेके लाइन बना होगा वो बाहर कर देंगे, बात समझ में आ रही क्या, तीन में से तीन जो कोलिनियर पॉइंट्स है उसमें जितनी हम डिफरेंट डिफरेंट लाइन इसमें सोच रखे हैं उसको हमको बाहर करना पड़ेगा, तो हमने क्या आंसर आएगा, आंसर हो जाएगा सेवन सी टू में से हमने थ्री सी टू बाहर कर दिया, बट ध्यान रखो हमने ये बाहर करते वक्त सभी ये लाइंस भी बाहर कर दिया, तीनों लाइंस मिलके एक लाइन तो बनाएंगे, तीनों पॉइंट्स मिलके एक लाइन तो बनाएंगे, तो हमने थ्री सी टू बाहर करते पूरा बाहर कर दिया, पूरे तीन को ही बाहर कर दिया, अरे अरे बात समझ, लेकिन ये तीनों मिलके एक लाइन तो बनाएंगे, मेरी बात समझ में आई कि नहीं, तो जोड़ना पड़ेगा, या दूसरा तरीका पहले इसका आंसर लिख लेते हैं कि एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं कि आंसर कैसे दिखेगा, सेवन सी टू का आंसर क्या होगा, सात इंटू छ अपॉन टू, सही है, माइनस थ्री प्लस वन, बोलो सात छ में मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा, नहीं ये इक्कीस हो जाएगा, नहीं इक्कीस हो जाएगा, नहीं इक्कीस में से तीन जाएगा अठारह, अठारह में एक जोड़ेंगे उन्नीस, टोटल कितना हो जाएगा उन्नीस। सेकेंड तरीका जरा इसका सोचते हैं कि सवाल में लिख रखा है आपसे, हाँ ये इसीलिए तो मैं बार बार आपसे वेट करके पूछ रहा था कि क्या आप जरा सोचो, चार हमने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिया और तीन हमने क्या ले लिया कोलिनियर पॉइंट्स, एक दो तीन, अब ऐसा करें कि इन चार में से हमको नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन लेना है, तो देखो पहला क्या हम कर सकते हैं कि उन चार में से कोई भी दो पॉइंट्स लेंगे तो एक लाइन बन जाएगी, अरे बात समझ में, प्लस इन चार में से एक पॉइंट ले लूं और इन तीन में से एक पॉइंट ले लूं तो क्या हर बार अलग अलग लाइंस बनेगी, अरे बात समझ में, अरे अरे रे बात समझ में, अरे मतलब है तो तरीका है कि नहीं सोचने का, प्लस ये तीनों लाइन मिलके तीनों जो कोलिनियर पॉइंट है वो एक एक लाइन बनाएंगे, सबका आंसर निकालते हैं, फोर सी टू शायद होता है कितना होता है, छ होता है, छ होता है, फोर इंटू चार इंटू तीन प्लस वन बारह, छ अठारह एक, आंसर आया दोनों जगह से सेम, बात समझ में आई कैसे, जो चार नॉन कोलिनियर पॉइंट है इनमें से तो कोई भी दो लाइन दो पॉइंट पकड़ेंगे तो एक लाइन तैयार हो जाएगी, प्लस इन चारों में से एक पॉइंट लिया जाए और आपका इनमें से कोई एक पॉइंट लिया जाए तो एक डिफरेंट लाइन बन गई और ये तीनों मिलकर एक पॉइंट बना रहे हैं, आरे बात समझ में। अगला सवाल लिखेंगे देयर इज
इतना है, देयर इज 10 पॉइंट, नहीं नहीं ट्रिक नहीं होता है कोई, देयर इज, जहां ट्रिक होगा हम जरूर बताएंगे। अब वो एक ठीक है, बाद में बता, बाद में बात करता हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा देर बात करता हूँ कि ट्रिक वाली एक बात बताता हूँ तुम लोगों को, बड़े शानदार बताता हूँ। मैंने कल ही एक वीडियो देखा है, उसमें पता चला है मुझे, कल नहीं इससे पहले भी देखा था, कल भी बताता हूँ, अभी थोड़ा देर बताता हूँ मैं कि जरा यहाँ देखो, पहले सवाल में क्या होगा, देयर इज 10 पॉइंट्स इन अ लाइन, 10 पॉइंट्स एक लाइन पे है एंड 12 पॉइंट्स ऑन अ सेकेंड लाइन, ऑन अ अदर लाइन, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ लाइन्स मेड बाय दीज पॉइंट्स। ये सवाल पीछे का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, उसी के बेसिस पे है, इन लाइन्स से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से कुल कितने लाइन्स बनेंगे आपको बताना है। यहां पे थोड़ा ध्यान रहे, बहुत पहले स्टार्ट करना, चलो ठीक है स्टार्ट कर। तो ये आपके सामने है, यहां पे कुल कितने पॉइंट्स है, 10 पॉइंट्स है इस पे, सवाल में बोला है ना कि एक लाइन पे 10 पॉइंट्स है और इस पे लाइन, अच्छा ये नहीं बोला है सवाल में कि डिफरेंट लाइन चाहिए, हमसे बस बोला है कितनी लाइन बनेगी वही अपने को चाहिए, लास्ट में बोला है कि हमें कितने लाइंस बनेंगे इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, टोटल वही लाइंस चाहिए, इस पे 12 पॉइंट्स है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पॉइंट यहां से पकड़ लें, एक पॉइंट यहां से पकड़ लें, एक लाइन तैयार हो जाएगी, मतलब अपना क्या हो जाएगा, 10 में से एक पॉइंट पकड़ लिया, अरे बात समझ में, पहली लाइन पे इंटू 10 में से एक पॉइंट, 12 में से एक पॉइंट पकड़ लिया दूसरी लाइन में से, एक लाइन तैयार हो गई। फिर प्लस क्या ये दोनों लाइन, दोनों पॉइंट मिलके ए भी एक लाइन बना रहा है, ए भी एक लाइन बना रहा है, तो प्लस 2, तो ये भी आंसर आ गया आपका 100, मतलब 10 × 10 × 12 + 2 122। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 12 22 में से कोई भी दो पॉइंट पकड़ लिया तो एक लाइन तैयार हो गया, माइनस 10 में से कोई दो पॉइंट पकड़ा होगा तो एक एक्स्ट्रा लाइन बनाई होगी उसको हटा दिया, 12 में से कोई दो को, लेकिन हमने इस चक्कर में तो दोनों को जोड़ दिया, क्या आंसर इससे भी आप देखेंगे तो ये आपका 22 × 21/2, फिर −10 × 9/2, −12 × 11/2 +2, जरा सबका आंसर निकालते हैं, ये 11 × 21 हो गया, −10 × 5 × 9 हो गया, −6 × 11 हो गया, +2, जरा बताओ यहां से 11 कॉमन कर लिया तो 21 में से 6 निकला, 15 हो गया क्या, तो ये 11 × 15 −5 × 9 +2, यहां से 5 कॉमन कर लिया, नहीं 15 पूरा कॉमन कर लिया, 15 कॉमन कर लिया तो 11 −3 हो गया क्या, हो गया कि नहीं, +2 और 11 −3 8, 15 में 8 मल्टीप्लाई करने से 120 +2 बोल दो 122 आंसर आया, अरे बात समझ में। अच्छा जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लिखो देयर इज एन पॉइंट्स इन एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, किसी प्लेन में एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, देन फाइंड, पहला सवाल नंबर ऑफ डिफरेंट लाइंस, डिफरेंट लाइंस आंसर क्या हो गया, NC2। सेकेंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अरे बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा, कोई भी तीन पॉइंट को पकड़ लो सब नॉन क्लियर तो NC3 हो जाएंगे। तीसरा नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या हो जाएगा, NC4। अच्छा अभी इसी क्वेश्चन में जरा मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि इफ देयर इज पी पॉइंट्स, इफ देयर इज पी पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर इसी में से पी पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, देन चौथा सवाल इसी में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, इफ पी पॉइंट्स आर कोलिनियर देन आपको फाइंड करना है, देन फाइंड
आपका कह रहा है कि देन फाइंड पहला नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल कहानी है भाई कि एन सी थ्री टोटल में से क्या करेंगे, टोटल में से हमने पी सी थ्री घटा दिया, मतलब जितने पॉइंट कोलिनियर उतने घटा दिया, जिनसे कि ट्राइंगल नहीं बन रहे थे उनसे एक लाइन में थे तो घटा दिया, तो आपको ट्राइंगल नहीं बनेगा। या दूसरा आपसे अगर मान लो कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पूछा है कि कितने क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हैं, तो एन में से टोटल चार पॉइंट ले लेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, माइनस जो पी पॉइंट कोलिनियर होंगे वहां से चार पॉइंट आया होगा तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, एक ये फार्मूला आ गया। लेकिन एक और चीज हो सकता है कि इस एन में से एक पॉइंट आया हो और इस पी में से कोई तीन पॉइंट आया हो तो भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे देखो ये पी पॉइंट कुछ है जो इसमें से कुछ पॉइंट आपके नॉन कोलिनियर है, और मान लो कि ये पॉइंट आपके एक लाइन में है, तो यहां से तीन पॉइंट ले लिया और यहां से एक पॉइंट लिया तो इस बार ट्राइंगल बन गया, क्वाड्रिलेटरल नहीं बना। बात समझ में आ रही है? तो तीन पॉइंट कोलिनियर वाले में से मतलब जो पी पॉइंट ये कोलिनियर हैं, इनमें से कोई एक पॉइंट ले लिया और जो बचे हुए, यानी अगर पी एन नॉन कोलिनियर पॉइंट से और पी पॉइंट कोलिनियर है, और तो उन एन में से जो नॉन कोलिनियर है उनमें से कोई भी आपने क्या कर दिया, हमने क्या बोला कि इधर P में से कोई तीन पॉइंट ले लिया, बचे हुए जो आपका जो इधर पॉइंट्स हैं, जो बचे हुए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई भी एक पॉइंट लेता, बचे हुए में से मतलब P में से तीन ले लिया, या इनटू जो n माइनस P में से कोई एक जो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर, इनमें से कोई एक पॉइंट ले लिया और इधर से तीन पॉइंट ले लिया आपका कोलिनियर में से, तो तब भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो ये एक तरीका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगला सवाल देखो, अगला सवाल मैं लिख दे रहा हूं कि फाइंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, ऑफ पॉलीगन हैविंग, फाइंड नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन हैविंग डायगोनल, जिसके डायगोनल्स हैं, डायगोनल एज 44, जिसके डायगोनल 44 है, तो बहुत आसान सवाल है। नंबर ऑफ डायगोनल का हम पीछे निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू, डायगोनल इज इक्वल टू क्या फार्मूला अपने पास था कि एन सी टू में से अगर हमने एन घटा दिया तो ये नंबर ऑफ डायगोनल की वैल्यू आई थी एन एन माइनस थ्री बाई टू, इसकी वैल्यू हो गई 44। सही है क्या? इसकी वैल्यू हो गई 44, तो क्या दे दिया यहां से, जरा देखो तो ये आपका आ गया एन स्क्वायर माइनस थ्री एन माइनस 88 इज इक्वल टू जीरो। इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके एन माइनस 11 एक फैक्टर हो जाएगा और एन प्लस 8 एक फैक्टर हो जाएगा, यानी 11 8 फैक्टर हो गया, n इक्वल टू 11 हो गया और n इक्वल टू माइनस 8। ये तो साइड निगेटिव हो नहीं सकती, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा n बराबर 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? फटाफट नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट देखते हैं। देखो इफ देयर इज सिक्स पैरेलल लाइंस ऑफ वन काइंड एंड फाइव पैरेलल लाइंस ऑफ अदर काइंड्स, देन फाइंड नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाई इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। सवाल समझ लेंगे फिर आंसर बताएंगे आप हमको, पहले आप सवाल समझ लेंगे, ठीक है? पहले आप सवाल समझ लेंगे हमारे से साथ साथ, उसके बाद आप आंसर बताएंगे। पहले यहां सवाल देख लो कि किस तरीके से सवाल, मतलब पढ़ के पूरी तरह से क्लियर नहीं है सवाल। कह रहा है कि छह जो है कि पैरेलल लाइन एक तरह की है, मतलब ये छह पैरेलल लाइन एक तरह की हमने बना दिया, एक दो तीन चार पांच छह, छह पैरेलल लाइन ऐसे एक तरह की हमने बना दिया। अब कह रहा है कि पांच पैरेलल लाइन और दूसरे तरह की वो कुछ इस तरीके से है, एक दो तीन चार पांच, दिख रहा है सबको पांच पैरेलल लाइन। अब कह रहा है कि ये पांच पैरेलल लाइन के इंटरसेक्शन से कितने पैरेललोग्राम बनेंगे वो अपने को बताना है। गिन लेते हैं, ये छोटे छोटे वाले तो बहुत सारे हैं, फिर दो दो के बनेंगे, एक दो के बनेंगे, गिन ले। ये आपके सवाल, ये एसएससी के सवाल है, ऐसे एसएससी के एग्जाम में पूछता है ऐसे ही। अरे बात समझते, गिनना तो संभव नहीं है, ठीक है ना? तो ये आपका हो गया, तो आप बताओ आंसर बताओगे क्या होगा जरा। तो क्या करेंगे, ये जो छह पैरेलल लाइंस ये वाली हैं,
छह पैरेलल लाइंस यहाँ पे है और पांच पैरेलल लाइंस यहाँ पे भी है, तो इन छह पैरेलल लाइन में से कोई भी दो लाइन पकड़ लिया इंटो इन पांच पैरेलल लाइन में से कोई भी दो लाइन पकड़ लिया तो एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया। देखो जैसे मान लो कि हमने इस लाइन को पकड़ा और इस लाइन को पकड़ा और इस लाइन को पकड़ा और इस लाइन को पकड़ा, एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया और इसमें जितने हैं वो सारे के सारे मिल गए। बात समझ में आ रही है? तो आपका यही आंसर हो जाएगा कि 6C2 into 5C2। अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल मैं लिखता हूं, थ्री लाइंस L1, L2, L3 आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, वेयर L1 हैज x पॉइंट, L1 हैज x पॉइंट, नहीं हमने बोला कि इसमें इतना ही पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट ज्वाइन करने से एक लाइन बनता, हमने बोला कि x पॉइंट को ज्वाइन करने से L1 बना हुआ है। L2 हैज y पॉइंट एंड L3 हैज z पॉइंट्स, Then number of triangle made by joining these points, इन points को join करने से कितने number of triangles बनेंगे? पैरेलल से, हाँ देखो लिखा हुआ है ऊपर, इस सवाल में ऊपर लिखा हुआ है कि तीन पैरेलल लाइन्स है L1, L2, L3। हाँ कि भाई तीन पॉइंट्स है, एक तीन लाइन्स पैरेलल है, इस पे x पॉइंट है और इस पे आपका y पॉइंट्स है, y नंबर ऑफ पॉइंट्स है और इस पे आपका z नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इस पे वाई है, इस पे एक्स है, इस पे जेड है, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हो जाएगा, सबको जोड़ दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड सी थ्री माइनस इस एक्स पॉइंट, एक्स में से कोई भी तीन पॉइंट उठाया होगा जो एक ट्राइंगल बना होगा उसको हटाना पड़ेगा, तो हमने यहां से एक्स सी थ्री हटा दिया माइनस इस y में से जो भी तीन पॉइंट उठ के एक ट्राइंगल बने होंगे वो तो ट्राइंगल एक्चुअल में बनाएंगे नहीं, तो उनको भी घटाना पड़ेगा। बोलो राहुल, समझ आ रहा है बात? और तीसरा इन जेड में से जो भी तीन पॉइंट मिलकर एक ट्राइंगल हमने इसमें जोड़ लिया है वो बनाया होगा वो तो हटाना पड़ेगा, तो माइनस जेड सी थ्री। या एक तरीका यह था कि इसमें से एक पॉइंट यहां से दो पॉइंट, एक ट्राइंगल तैयार हो गया, या यहां से दो पॉइंट यहां से एक पॉइंट, एक ट्राइंगल तैयार हो गया, एक ये या एक ये। देखो दोनों अलग अलग ट्राइंगल है। कौन नहीं, वो एक पॉइंट मिलकर ट्राइंगल बनाएगा ही नहीं, तो वो इसमें तो हमने लिया ही नहीं ना, हमने कोई लिया कि पूरे प्लेन में कोई भी तीन पॉइंट नहीं, ये जो भी पॉइंट यहाँ पे रहेंगे वो ऐसे मान लीजिए कि पैरेलल नहीं है, कोई भी तीन पॉइंट ऐसे नहीं है, मतलब कोई भी तीन पॉइंट एक कोलिनियर नहीं है जो इन पे लिए गए हैं, ऐसा मान लिया जा रहा है कि ये तीन पॉइंट, यानी लास्ट में लिखा भी जा सकता है कि एनी थ्री पॉइंट ऑन दिस पैरेलल लाइन आर नॉन कोलिनियर, ठीक है ना, ये लिख देता हूं मैं लास्ट में कि एनी थ्री पॉइंट्स, आपकी बात सही है, थ्री पॉइंट्स ऑन दीज पैरेलल लाइंस आर नॉन कोलिनियर, मतलब इनमें से तीन कोई भी पॉइंट लिया जाए तो वो कोलिनियर नहीं है। कहने का मतलब ये कि जैसे ये ऐसे वाला ऐसे नहीं है, ऐसे पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तीनों आपस में कोलिनियर है सिर्फ, बाकी एक दूसरे के साथ कोलिनियर कोई भी तीन नहीं है। आ रही बात समझ में? ये हो गया, ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देयर आर 37 लाइंस इन अ प्लेन, लिखेंगे देयर आर 37 लाइंस इन अ प्लेन, किसी प्लेन में 37 लाइंस हैं, इन विच 13 लाइंस आर पासिंग थ्रू, इन विच 13 लाइंस, लिख लो, मजा नहीं आ रहा है लिखे बिना, 13 लाइंस आर पासिंग थ्रू, ये जो 13 लाइन है
पासिंग थ्रो, वन पॉइंट ए, वन पॉइंट पी एंड 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 11 लाइंस, 11 लाइंस आर पासिंग थ्रो पॉइंट क्यू इफ नो अदर लाइंस आर पासिंग थ्रू पी एंड क्यू एंड नो लाइंस आर पैरेलल देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सैतीस में से कोई भी दो लाइन पकड़ लिया था, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया. लेकिन 11 मिलके क्या कर रही है भाई, एक ही पॉइंट बना रही है, तो वो माइनस करना पड़ेगा. 13 भी है, 13 भी है तो भी मिलके एक ही पॉइंट बनाना. लेकिन ये और ये मिलके एक एक तो बना ही रही है. कहने का मतलब ऐसा था कि 11 लाइन ऐसी थी जो इस पॉइंट पी से पास कर रही थी 13 लाइन, और 11 लाइन ऐसी थी जो यहाँ पे Q पॉइंट से पास कर रही थी. बाकी जो बची लाइंस थी वो आपका ना P से पास कर रही थी, ना Q से पास कर रही थी, ना पैरेलल थी. तो उनमें से कोई भी दो लेने से वो तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना ही रहा था. इसलिए लास्ट में ये 37 C2 प्लस उसमें से घटा लिया 11 वाला जो चक्कर था ये घटा लिया. लेकिन ये सब मिलकर एक ये बनाया और एक ये बनाया तो प्लस दो जोड़ दिया. बोलो बात समझ में आ गया. क्यों 13C1 का 13C1 × 11C1 प्लस 2 नहीं तो गड़बड़ हो गया ना. बाकी बचे 13 11 मिलके ये तो जो है 13 और 11 मिलके एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया. प्लस 13 और 11 लाइन कितना होता है, 24 होता है क्या? तो 37 में से 24 लाइन कितनी बच गई अभी, 37 से 24 निकाल दो कितनी बच गई, 13. उन 13 में से कोई भी दो लाइन पकड़ेंगे एक हो जाएगा. अरे आ रही बात समझ में. इन 13 में से एक पकड़ लिया, पहला नहीं है, एक पॉइंट से पास कर रही है. अच्छा तो दोनों का पॉइंट ऑफ एंट्री मतलब ये और ये एक बना सकती हैं. आपने इन 13 में से एक पकड़ा, 11 में से एक पकड़ ला, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तैयार हो गया. फिर प्लस 13 बाकी जो बची हुई जो 24 ये 24 लाइन तो पूरी हो गई. 13 में से कोई दो पकड़ा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लिया. अरे मतलब इसके अलावा जो कुछ 13 लाइंस होगी ना, ये मतलब जो 13 है उनका तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अभी. हाँ कोई बात नहीं, तो इन 13 में से एक पकड़ा और इन 11 में से एक पकड़ा, तभी तो आप ये कर रहे हो. ये क्या कर रहे हो? अरे ये वाला 13C2 ये 13 और 11 मिलके कितना बनाया बताओ, 24 लाइन बनाया. और कितनी लाइन अभी बच गई जो पैरेलल भी नहीं है और कंकरेंट भी नहीं है? 37 − 24 और 37 में से 24. हाँ तो ये 13 भी लाइंस जो है वो नॉन करेंट कंकरेंट है और नॉन पैरेलल है, तो उनमें से कोई भी दो पॉइंट मिलकर बनाएगा. प्लस अभी खत्म थोड़ी हुआ कहानी यहाँ पे, रुक तो जाओ. प्लस अभी इन 11 13 में से एक पकड़ोगे और इस 13 में से एक पकड़ोगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा. प्लस इस 11 में से एक पकड़ोगे और इस 13 में से एक पकड़ोगे तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा इस वाले 13 में से. फिर प्लस दो ये वाला मिलके एक एक जो बना रहे थे. अब ये पूरा आंसर ये या ये आंसर दोनों बराबर है. बात समझ में आई? ठीक है चलो बाकी कल नेक्स्ट डे.